नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। 400 करोड़ की लागत से बने विधानमंडल के नए सेंट्रल हॉल का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। तेजस्वी ने पीएम मोदी से कहा, वादा कीजिए जिन 23 पार्टियों को आपने चोर बताया, सरकार बनाने में उनकी मदद नहीं लेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों को मुहर लगा दी गई है। बिहार में ईवीएम से पंचायत उपचुनाव कराने का फैसला किया गया है। आरजेडी ने तय किया एजेंडा, बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी। अगली खबर आई है बिहार से कि तेजस्वी ने बोला है, पीएम मोदी और उनकी सरकार ने सिर्फ अच्छे दिन के नाम पर लोगों को ठगा है। शहनवाज हुसैन बोले, भ्रष्टाचार की जांच रोकने की कोशिश अगर ममता के लिए सत्याग्रह है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी ने कहा, आज मोदी और भागवत के चेले बन गए हैं नीतीश कुमार। सुशील मोदी ने कहा है, बंगाल में जो भी हालत है वो इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। बिहार डीजीपी की अपराधियों को खरीखोटी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी, हनुमान चालीसा नहीं पड़ेगी। कीर्ति आजाद जल्द थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। बिहार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मामले की सुनवाई 21 फरवरी को। निलंबित नियोजन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं। छात्रों से नौकरी के नाम पर राशि ठगने के आरोप में बर्खास्त। गया में एटीएम तोड़ने पर नहीं निकले रुपए तो मशीन ही उखाड़ कर ले गए चोर। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाते हुए प्रशासन पर महादलितों का हमला, जगह जगह लगाई आग। नवादा में 10 लाख रुपए रंगदारी नहीं होने देने पर व्यवसायी पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई, 7वीं कक्षा का छात्र था पीयूष। राज्य में 2 ग्राम से अधिक वजन के सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग हुआ कंपल्सरी। बिहार में मौसम साफ, तापमान में वृद्धि की संभावना। जूते मोजे पहनने पर बैन के साथ आज से बिहार इंटर की परीक्षा शुरू। ये थी बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।